आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राष्ट्रीय हिंदी न्यूज पर, और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे आज की बड़ी खबर की ओर, जहां एक और सरकार देश में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की ओर बढ़ावा दे रही है, तो इससे कई सारी घटनाएं भी सामने आ रही है। तो दूसरी ओर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे जोर देते हुए भी इनमें काफी ज्यादा तरीकों से घटनाएं बढ़ती जा रही है, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में आग लगने की घटना थमने का नाम नहीं ले रही। गर्मियों की आहट मिलते ही देश में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में आग लगने की घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ, जो बिना थमे जारी है। एक ताजा मामला में देखा जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लग गई। आग इस कदर जानलेवा साबित हुई कि इसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। इससे पहले भी कई मामलों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की आग में लोग जान गंवा चुके हैं, लेकिन एक ही घटना में इतने सारे लोगों की मौत का ये देश पहला मामला है जहां यहां पे इतनी बड़ी तरीके से हादसा हुआ। जहां दरअसल ये पूरी घटना तेलंगाना के सिकंदराबाद की है, जहां पासपोर्ट ऑफिस के पास 4 मंजिला बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर स्थित इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम इस दुर्घटनापूर्ण घटना का कारण बना। बताया जा रहा है कि शोरूम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज किया जा रहा था, इसी के साथ शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई, जहां धीरे धीरे पूरी बिल्डिंग लपटों और धुओं में डूब गई। तो वहीं होटल में ठहरे लोग इस दुर्घटना में काफी प्रभावित भी हुए हैं। कई लोगों ने तो आग से बचने के लिए तीसरी और चौथी मंजिलों से छलांग भी लगा दी। इस पूरे मामले पर हैदराबाद के कमिश्नर सीवी आनंद ने भी जानकारी दी कि सिकंदराबाद में एक होटल में आग लगने से 6 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में शिकार हुए लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से किए गए ट्वीट में हादसे पर दुख जाहिर किया गया। पीएमओ ने ट्वीट में प्रधानमंत्री की ओर से कहा, तेलंगाना के सिकंदराबाद में आग लगने की घटना में लोगों की मौत होने से दुख हुआ। पीड़ित परिवारों को सांत्वनाएं, घायल लोग जल्द पूरी तरह से स्वस्थ हों। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वही हादसे में घायल हुए लोगों को 50,000 रुपए की राशि भी दी जाएगी। तो ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।